ए फिल्म के नाम हमनी के भाषा में कैसे कहाई? 15 अगस्त के फिल्म आवता जो सिनेमा के नाम बा मेहरारू तू धर जाए ना तो हम बिगड़ब न तो तू लोग जान तरह पूरा स्थिति बिगड़ जाला। वाह 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 पवन भैया, आपने तो भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन कर दिया। जो आपने बोला वो आज करके दिखाया। पवन सिंह का टक्कर खेसारी लाल कभी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जो पवन सिंह ने कर दिया और जो कर रहा है उसी पे रेंगना है, क्योंकि पवन सिंह ये चीज बोला था और बिल्कुल रियल है। आप सभी को पता है कि अभी बॉलीवुड में जाके पवन सिंह ने गाना गाकर तहलका मचा दिया है, इसलिए बोला था कि जो मैं किया हूं और जो कर रहा हूं और जो मेरा लकीर घींचा हुआ है उसी पे रेंग रहे हो और आगे भी रेंगोगे और लाइफ टाइम रेंगना है। लेकिन खेसारी लाल यही घमंड करते हैं और आके बोलते हैं लाइव में कि पवन भैया के पास क्या है, गायकी के सिवा कुछ नहीं है। अरे बुर्बक, पता होना चाहिए तुमको, अगर गायकी के सिवा और कुछ नहीं होता तो वो आदमी सिर्फ सिंगिंग ही करता और गाना ही गाता। ऐसे ही अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 से ऊपर हिट से हिट पिक्चर दिया है। अरे पिक्चर खाली गायकी से हो जाता है कि टैलेंट भी होना चाहिए? बिना टैलेंट का कोई पिक्चर शूट करवा लेगा क्या? मूवी बन जाएगा क्या? तुमको पता होना चाहिए कि अभी 100 से ऊपर है हिट हिट पिक्चर पवन सिंह का, और लाइव में आके खेसारी लाल तुम बोलते हो कि पवन भैया के पास कुछ नहीं है, गायकी के सिवा कुछ नहीं है। अरे कभी भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है? कभी भी ये मत बोलना कि हाँ पवन सिंह कुछ नहीं कर पाएगा गायकी के सिवा। अरे इतना किया, एक बार स्टेज पे आके बोला था ना कि कोई कल्पना नहीं किया होगा जिसको भी मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में नचवाऊंगा, आज नचवा रहा है ना। तुम्हारे पास उतना औकात नहीं है, बस कितना हो टैलेंट है, तुम्हारे पास टैलेंट है मैं मानता हूँ, लेकिन वो चीज नहीं कर पाओगे जो चीज पवन सिंह कर दिया है और जो कर रहा है उसी पे ही रेंगोगे। वो बोले थे वो बिल्कुल रियल है, भले यहाँ पे खेसारी लाल का जितना भी सपोर्टर होंगे उसको विरोधी लगेगा और मेरा विरोध करेगा, तो करो भाई, ज्यादा होता है तो कमेंट में गाली दो। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सही कमेंट करो, गलत बोल रहा हूं तो गलत कमेंट करो, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी ये समझ लेना खेसारी लाल यादव कि पवन सिंह को बाप और पिता के समान मानते हो तो मानना ही पड़ेगा। कभी भी लाइव में आके उल्टा पुल्टा मत बोलो और ऐसा मत करो, क्योंकि वो बहुत शांत दिमाग के आदमी है, अगर जब भड़कता है ना तो मतलब सबका भोजपुरी इंडस्ट्री में फटने लगता है और फिर से चर्चा बन जाता है। एक चीज ध्यान में रखना खेसारी लाल यादव, अगर तुम्हारे पास कितना हो ज्यादा टैलेंट हो जाए, कितना हो बड़ा सुपरस्टार हो गए हो, लेकिन बॉलीवुड में जाकर कोई ऐसा टैलेंट दिखा के आना और सक्सेस हो जाना कभी नहीं होने वाला, 7 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह ने किया है और कर रहा है और करके दिखाएगा, तो कभी भी मतलब उंगली मत करो पवन सिंह को कि ऐसा है वैसा है, कभी भी बाप का समान मानते हो तो बाप ही मानो, ठीक है? लाइव में आके बोलते हो ना कि ये कर रहा है वो कर रहा है ऐसा है वैसा है, तो मतलब शांत आदमी को भड़काओ मत। और हाँ, जितने भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस लोग देख रहे हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप Facebook पर देख रहे हैं तो ID को फॉलो करके एक एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सपोर्टर है ना खेसारी लाल यादव का उसके पास ज्यादातर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ, भले वो लोग को करवा लग जाए, लेकिन मैंने जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल रियल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बात क्या गलत है कि सही है, क्योंकि जो क्षमता पवन सिंह रखा है और रखेगा वो कभी भी नहीं होने वाला है खेसारी लाल यादव से। क्योंकि आज बॉलीवुड में जाके इतना धमाल मचा के आने के लिए मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पावर ही नहीं है, जो पावर पवन सिंह रखता है और रहेगा। और वो जो बोला है स्टेज पे आके कि जो कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचवाऊंगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल रियल है, क्योंकि धीरे धीरे वही चीज हो रहा है और आगे भी होने वाला है। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।